नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। रेलवे के निजीकरण निगमीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन। जी हां, निजीकरण एवं निगमीकरण को लेकर किया गया अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन। भारतीय रेल में निजीकरण व निगमीकरण को तत्काल बंद किया जाए, रेलवे को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने के निर्णय को वापस लिया जाए। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना धूमनगंज के रेलवे मुख्यालय की, जहां आज ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा निजीकरण एवं निगमीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन बाकायदा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया गया। इस दौरान किशन स्वरूप जोनल अध्यक्ष ने कहा कि शुरू से ही रेलवे निजीकरण के खिलाफ रही है तथा समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री से अनुरोध करती रही है कि रेल में बढ़ रहे निजीकरण को रोका जाए, रोजगार के अवसर घटेंगे, जबकि देश के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना भारत सरकार की सामाजिक नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह व्यवस्था पुणे के यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता का परिणाम था, जिसके बदले में इस समाज को काफ़ी कुछ खोना पड़ा। कार्यक्रम संचालक एवं जोनल सचिव लालसा राम ने इनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा कि रेलवे को अपने इस निजीकरण के फैसले को वापस लेना उचित होगा। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें पहला, भारतीय रेल में निजीकरण व निगमीकरण को तत्काल बंद किया जाए, रेलों को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने के निर्णय को वापस लिया जाए। दूसरा, भारतीय रेल में 50% रिक्त पदों को समाप्त करने के निर्णय को वापस लिया जाए, जिनमें आरक्षित पद भी शामिल हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र में व न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाए एवं इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का गठन किया जाए। चौथा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 17% व 9% किया जाए। भारत पाँचवा, भारत में सम्मान शिक्षा लागू की जाए, गरीब व अमीर दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़े, रेलवे जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यक्रम संचालन लालसा राम, जोनल सचिव दिनेश कुमार, जोनल कोषाध्यक्ष राम अवतार, संदीप कुमार, आरसी गौतम, रविंद्र कुमार, अनिल गौतम, ज्ञानेंद्र गौतम अन्य मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। ये धरना प्रदर्शन का निर्णय ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान वीएल अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भैरवा जी के आह्वान पर किया गया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जैसा भी निर्देश करेगा हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। समय समय पर ये भारत सरकार से अपनी मांग रखेंगे और भारत सरकार से अपनी बात मनाने का प्रयास करेंगे। लालसा राम, जोनल सचिव ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे की केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जो रेलवे में निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम यहाँ धरना प्रदर्शन में अपना भाग ले रहे हैं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं रेल में निजीकरण निगमीकरण को तत्काल बंद किया जाए, रेलों को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने के निर्णय को वापस लिया जाए, भारतीय रेल में 50% रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय को वापस लिया जाए जिसमें आरक्षित पद भी शामिल हैं, निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण लागू किया जाए एवं इंडियन जुडिशरी सर्विस का गठन किया जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 17% से ओवर 9% किया जाए, भारत में समान शिक्षा लागू की जाए, गरीब और अमीर दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, पदोन्नति में आरक्षण का सुनिश्चित करने के लिए 117। निर्भया स्क्वाड का पहला स्थापना दिवस। जी हां, राजस्थान के जयपुर जिला के सोडाला थाना अंतर्गत जयपुर नगर में निर्भया स्क्वाड के उत्साह के साथ मनाया गया पहला स्थापना दिवस। जी हां, फ्लैग मार्च भी निकाला। जयपुर में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 24 सितंबर 2019 को निर्भया स्क्वाड टीम का गठन किया गया था। गुरुवार को निर्भया स्क्वाड टीम ने स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।
निर्भया स्क्वाड टीम की नोडल प्रभारी एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने नेतृत्व में पहले महिला जवानों ने अमर जवान ज्योति पर शहीद को नमन किया। उसके बाद हवा में गुब्बारे छोड़कर खुशी से स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। साथ ही फ्लैग मार्च भी निकाला गया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की निर्भया स्क्वाड का गुरुवार को स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर निर्भया स्क्वाड टीम में शामिल महिला जवानों ने कई कार्यक्रम किए। निर्भया स्क्वाड के पहले स्थापना दिवस पर शहर के अमर जवान ज्योति पर महिला जाबाजों ने आमजन की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ ली। ये फ्लैग मार्च विधानसभा मुख्य गेट से शुरू हुआ, जो स्टैचू सर्किल, पांच बत्ती, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, त्रिपोलिया गेट, यादगार और अल्बर्ट हॉल होते हुए पुलिस कमिश्नरेट पर आकर खत्म हुआ। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पिछले साल 24 सितंबर 2019 को महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने महिला सुरक्षा के लिए जयपुर के कई स्कूलों और कॉलेजों की छात्राओं को प्रशिक्षण देकर आत्मरक्षा के गुण सिखाए और उनका मनोबल बढ़ाया। वहीं गुरुवार को करीब 50 बाइक पर 100 से महिला पुलिसकर्मियों ने शहर के परकोटा क्षेत्र में ये फ्लैग मार्च निकाला। देखिए सोडाला से नीला वर्मा की यह रिपोर्ट। आपके लिए एक साल पूरा हो रहा है निर्भया स्क्वाड को, कैसा लग रहा है? आज 24 सितंबर है और 24 सितंबर 2019 को निर्भया स्क्वाड का जन्म हुआ था और आज 24 सितंबर 2020 को निर्भया स्क्वाड को पूरा एक साल हो गया है। यानी कि निर्भया स्क्वाड का आज स्थापना दिवस है, निर्भया का आज जन्म दिवस है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि निर्भया अपने काम जो काम के अंदर खरी उतरी है और पूरे साल में उन्होंने अपनी बेहतरीन उपलब्धियां दर्ज कराई है और सफलता के सोपान छुए हैं। और खास तौर पे जो कोरोना है वो दुनिया के लिए कोरोना का काल बन के आया है, जबकि निर्भया के लिए ये जो कोरोना था वो एक जंग का मैदान बन के आया और उसमें निर्भया ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर बहुत ही अच्छा और एक जिसको बोलना चाहिए जंगबाज महिला अधिकारियों के रूप में अपनी छवि बनाई है। तो बिल्कुल जयपुर की इस जांबाज जनता को, जयपुर की जो जांबाज महिला अधिकारी यानी निर्भया स्क्वाड की तरफ से दिल से धन्यवाद, दिल से सैल्यूट, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ और जयपुर की जनता की वजह से। उन्होंने हमें पूरा प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग दिया और उन्हीं की वजह से हम लोग और जोश और उत्साह के साथ और जुनून के साथ अपने काम में करने में कामयाब हुए। और अब हम आप सभी को ये बताने आए हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं यानी कि हमारे जो कमिश्नर साहब श्री आनंद जी श्रीवास्तव, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि निर्भया की स्थापना में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। साथ ही उन्होंने हम पर विश्वास जताया और इस वजह से हम लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। साथ ही हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे श्रीमान अजय पाल लामा जी का, एडिशनल कमिश्नर साहब का और राहुल जी प्रकाश साहब का। एडिशनल कमिश्नर साहब, इन दोनों ने हमें गाइडेंस दिया, मार्गदर्शन दिया और हमें काम करने की फ्रीडम दी और ये आजादी था जिसी की वजह से जयपुर पुलिस के अंदर महिला पुलिस का एक महिला का सशक्तिकरण का नायाब उदाहरण बनी निर्भया स्क्वाड। मैम तो क्या लगता है मैडम कि एक साल में कौन से काम नहीं? भाजपा पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम संपन्न। जी हां, सुबासरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का दौरा कार्यक्रम संपन्न। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला अंतर्गत सुवासरा विधानसभा में उपचुनाव होना है। उपचुनाव में जीत निश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा ने अपने प्रदेश स्तर के नेताओं के दौरे कार्यक्रम तय कर दिए हैं। पिछले सप्ताह युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर युवा स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की थी, जो आज भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा ने सुवासरा विधानसभा के सभी मंडल क्षेत्र के बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करी। ज्ञात हो कि भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरज पाटीदार के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों ने पिछले एक माह से हर गांव में मीटिंग कर हर बूथ पर एक मतदान, दो प्रधान, 10 जवान की टीम गठित की, क्योंकि किसी भी बड़े चुनाव में ओबीसी जातियां
बड़ा फेर बदल करती हैं। मध्य प्रदेश में 52% के लगभग ओबीसी वर्ग में आने वाली जातियां निवास करती हैं और भाजपा इसी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है ताकि उपचुनाव में ओबीसी वर्ग का समर्थन भाजपा को मिल सके। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुशवाहा का दौरा हुआ। श्री कुशवाहा ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर चर्चा करी। साथ ही भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिन भर भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नाना लाल अटोलिया, उज्जैन जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री सुवासरा, विधानसभा उपचुनाव प्रभारी श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष धीरज पाटीदार सहित मोर्चा के सभी जिला एवं मंडल पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग पश्चात शामगढ़ में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री कुशवाहा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के सिर्फ लोगों को बरल गलाकर व भ्रमित कर रही है वोट के लिए। पत्रकार वार्ता में आपके साथ मोर्चा जिलाध्यक्ष धीरज पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार, विधानसभा विस्तारक गोकुल खंडाल सहित कई कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित रहे। देखिए मंदसौर से दिनेश बैरागी की यह रिपोर्ट। कहीं ना कहीं कोई प्लाव बना रहा है, पंजा बना रहा है, कोई टिलर बना रहा है, कोई टैंकर बना रहा है, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के व्यवसाय खुले, गांव में ग्रेडिंग मशीनें लगी, गांव का अमूलचूल परिवर्तन हुआ। लेकिन हम सब दुर्भाग्य कह सकते हैं कि कांग्रेस ने एक ऐसा भ्रम इस पूरे मध्य प्रदेश में पैदा करा और खासकर हमारे मंदसौर जिले में ये पाप का भांडा कांग्रेस के कड़कनाथ की सरकार ने खोलने का प्रयास करा और हमारे बंधु किसानों को जो कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि मंदसौर जिले में लहसुन को यदि भाव देने का, लहसुन का कहीं ना कहीं बोनस देने का काम हो, गेहूं को बोनस देने का काम हो, जब भी किसानों को बाढ़ यदि कोई किसी प्रकार का प्रभावित होती है तो बीमा दिलाने का काम हो, अन्य प्रकार के किसानों के लिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मंदसौर में काम किए गए। लेकिन एक किसान आंदोलन मनधरन आंदोलन कांग्रेस की कुरचना के कारण यहाँ पर खड़ा किया गया। हम सब ने उसे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो किसान थे बहुत जागरूक किसान थे, उन्होंने उनके स्कूल चक्कर में नहीं आए, हमारी लोकसभा में 7 सीटें जिता की थी, एकमात्र सीट जो सुमात्रा की थी वो कहीं ना कहीं छोटे से अंतर से हार गई। लेकिन उन्होंने जो धोखा हमारे और फिर आते हैं शिकारी दाना डालते हैं, जाल फैलाते हैं, उस जाल में फंसा के चले जाते हैं और फिर हमारा जो है उसका परिणाम उन 15 महीनों में फिर हमको दिखता है, फिर ध्यान आता है कि अरे बाप रे गलत हो गया है, अब वापस हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। फिर वही गोली मारी जनता फिर जागरूक होती है तो वो जागरूक होने का समय फिर हमारे पास आ गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा था कि अपन अस्थायी मुख्यमंत्री है और अस्थायी मुख्यमंत्री ये शब्द अब उनके मुँह से हम नहीं सुनेंगे, उनको लेकर चलेंगे, इस देश और राष्ट्र को परम व्यवहार पर पहुँचाएंगे। और परम व्यवहार पर पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से कश्मीर नहीं जाना है, आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, आपको लड़ाई लड़ने के लिए सीमा पर खड़े नहीं होना है, आपको यहाँ से सिर्फ घर पर बैठे बैठे कमल के फूल का बटन दबाना है, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए ये सारे लोग जो बैठे हैं चौकीदार वो आपकी चौकीदारी करने के लिए बैठे हुए हैं, अपनी चिंता करने के लिए यहाँ पर पार्टी के बड़े नेता बैठे हुए हैं, आप तो आदेश दीजिए, आपकी सेवा करने के लिए सारे सेवक लोग बैठे हैं, आपके सम्मान में कोई आज नहीं आने देंगे। लेकिन एक बात और बता दें, ये सारा काम पार्टी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं, कई बार ये फसल वगैरह जो खराब हो गई उसको लेकर के माननीय जिला अध्यक्ष। अभी के लिए बस इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।